हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल एंड आईजीएमपी प्रोटोकॉल के बीच का क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जबकि आईजीएमपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी है वो पिंग फीचर्स वाला है, जबकि आईजीएमपी के पास मल्टीकास्ट फीचर है। आईसीएमपी है वो यूनिकास्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पिंग है वो यूनिकास्टिंग है, और आईजीएमपी है वो मल्टीकास्टिंग में यूज होता है क्योंकि उसके पास मल्टीकास्ट फीचर है। आईसीएमपी कैन बी ऑपरेट बिटवीन होस्ट टू होस्ट, राउटर टू राउटर और होस्ट टू राउटर। मतलब कि आईसीएमपी है वो ऑपरेट कर सकता है दो होस्ट के बीच, दो राउटर के बीच, या फिर होस्ट और राउटर के बीच, जबकि आईजीएमपी है वो क्लाइंट और मल्टीकास्ट राउटर के बीच ही वर्क करेगा। ICMP controls the unicast communication and used for reporting error। मतलब कि कोई एरर आएगा तब वो रिपोर्ट करेगा। और हमने यहाँ पे अभी अभी लिखा कि ये यूनिकास्टिंग है, तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में यूज होता है, जबकि हमने यहाँ पे पहले से ही बता दिया है कि ये मल्टीकास्टिंग प्रोटोकॉल है, तो वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन में यूज होगा। ICMP is used to test reachability to a host or network। IGMP used in group packet transmission like DTS service। ICMP है वो कोई नेटवर्क या फिर होस्ट तक हमें पहुंचना हो तब यूज होता है, जबकि IGMP है वो पैकेट ट्रांसमिशन जो ग्रुप में होते हैं उसमें यूज होता है। तो आई होप कि ICMP और IGMP प्रोटोकॉल के बीच का डिफरेंस आपको मेरे वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।